हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम सिले हुए कुर्ती से की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है, ये ब्रॉकेट फैब्रिक है। साथ ही 2 मीटर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी कटिंग सबसे पहले हम लाइनिंग पर करेंगे, उसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। ये मैंने इसका नाप ले लिया है। कपड़े को सबसे पहले हम खोल के इसे 4 फोल्ड में रखेंगे, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती के लिए रखते हैं। तो इस तरह से कपड़ा लेंथ में फोल्ड है। इस तरह से देखिए, मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है कपड़े को। और ये जो नाप हमने लिया है, इसे भी हम 4 फोल्ड में रख लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल बराबर से बंद साइड की तरफ, बंद साइड रखनी है बिल्कुल बराबर से। इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की साइड देखिए एक्स्ट्रा छोड़ देना है, और बिल्कुल बराबर से इसे सेट कर लेना है। इस तरह से सेट करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो नेक है वो फ्रंट और बैक में बराबर है, तो यहाँ पे हम नेक इस तरह से मार्क कर लेंगे। ऊपर की साइड देखिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ शोल्डर होगी, शोल्डर की सिलाई में भी 1/2 इंच जाएगा, तो वहाँ भी हम 1/2 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा। इस तरह से इसमें भी 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से देखिए आर्म होल जहाँ आ रही है, यहाँ भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क करेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ मार्क किया हमने, और इसके बाद हम ये गोलाई इसमें मार्क कर देंगे आर्म होल की। इस तरह से देखिए ये आर्म होल में गोलाई हमने मार्क कर ली है। अब 1/2 इंच की लूजिंग रखते हुए इसे हम मार्क करेंगे। इस तरह से देखिए हमने 1/2 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, और ठीक नीचे तक इसे हम मार्क कर लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए। और इसके बाद हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, जो हमारा सिलाई के बाद कपड़ा बचता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसमें 2 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। यहाँ हिप में देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और नीचे तक इसे स्ट्रेट मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लिया हमने। अभी इसे हटा लेंगे। तो इस तरह से हटा लिया है। नेक में भी देखिए 1/2 इंच हम इसमें भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये भी सिलाई में 1/2 इंच यहाँ जाएगा, तो यहाँ भी हमने मार्क कर लिया है। इस तरह से हल्की सी स्लोप दे देंगे, और इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है, और इसके बाद इसकी हम लेंथ देख लेते हैं। ये लाइनिंग का कपड़ा है, तो जो मेन फैब्रिक है उससे 3 से 4 इंच कम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी बराबर है, तो यहाँ पे हम लगभग 2 इंच कम करके यहाँ मार्क कर लेते हैं। ये देखिए लगभग 2 इंच है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे और इसे कट करके निकाल लेंगे। जो मेन फैब्रिक है वो हम बड़ा रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसे मार्क कर लिया है, और इसके बाद इसकी कटिंग हम मेन फैब्रिक पे करेंगे। तो इसे भी हम खोल के 4 फोल्ड में रख लेंगे, जैसा हमने लाइनिंग को रखा था। इस तरह से देखिए ये 4 फोल्ड में है कपड़ा। इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखेंगे, और जो हमने लाइनिंग कट की है वो उसके ऊपर रखेंगे।
बन साइड की तरफ, बन साइड। इस तरह से यहाँ पे पिन से फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे पिन से फिक्स कर लिया है। अभी सेम इसे भी हम कट कर लेंगे लाइनिंग के नाप की। यहाँ से देखिए कपड़े को स्ट्रेट रखेंगे। इस तरह से हमने मेन फैब्रिक भी इसका कट कर लिया है। अभी खोल के रखेंगे इस तरह से। लाइनिंग को सीधी साइड से रखेंगे बिल्कुल इस तरह से खोल के, और मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद चारों तरफ से हम इसे सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे ताकि सिलाई करने में आसानी हो, क्योंकि ऐसे ही सिलाई करने में कपड़े में झोल आ सकता है। तो इस तरह से हम पिन से पहले फिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें कच्ची सिलाई लगा लें। इस तरह से देखिए रख लेना है और इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। नीचे से ये जो लाइनिंग है इसे भी टू फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हम इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। और अभी ये जो पार्ट है, एक पार्ट हम कोई भी एक पार्ट ले लेंगे और उसमें आर्म होल में गुलाई देंगे, वो हमारा फ्रंट का पार्ट होगा। तो कपड़े को इस तरह से टू फोल्ड करके रख लेंगे और यहाँ पे हाफ इंच अंदर से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से गोलाई में मार करके इसे कट कर लेना है। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है और इसके बाद हम इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने चारों तरफ से सिलाई लगा के इस तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को फिक्स कर लिया है। और यहाँ पे नेक के शेप की स्ट्रिप कट कर ली है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे शेप में सिलाई लगाएंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसके लिए भी हमने सेम इसी तरह की स्ट्रिप कट कर ली है, इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स बना लेंगे इस तरह से, और कट्स बनाने के बाद स्ट्रिप को अंदर के साइड टर्न करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रिप को बिल्कुल अंदर की साइड रखते हुए टर्न कर लेना है। इस तरह से नेक बहुत अच्छे से सेट हो जाती है इस तरह से। और इसके बाद इसके हम शोल्डर अटैच कर लेंगे स्ट्रिप को अंदर की साइड टर्न करने के बाद। इस तरह से देखिए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सीधी साइड दोनों अंदर की साइड है। और ये जो फर्स्ट साइड की स्ट्रिप है इसे इस तरह से दो बार फोल्ड कर लेंगे, और जो बैक साइड की स्ट्रिप है उसे फ्रंट साइड की तरफ लाते हुए इस तरह से यहाँ पिन से फिक्स कर लेते हैं। हाफ इंच इसे भी फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड की स्ट्रिप भी इसी तरह, फ्रंट पार्ट की जो स्ट्रिप है उसे इस तरह से दो बार फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बैक साइड की स्ट्रिप लाते हुए इस तरह से यहाँ इस स्ट्रिप को भी फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद हमें शोल्डर में सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने से बिल्कुल इसकी सिलाई छुप जाएगी, शोल्डर बहुत फिनिशिंग से आती है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और अभी स्ट्रिप में हम हैंड स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए इसमें हम तुरपाई लगाएंगे चारों तरफ से।
तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी नेक तैयार कर ली है। अभी हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड में रख लिया है। यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे निकाल लेंगे और अभी हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए कपड़ा फोर फोल्ड में इस तरह से रख लेना है। इसकी विड्थ जितनी आपने आर्म होल कट की थी उससे लगभग 2.5 इंच बढ़ा के रखें और इस तरह से देखिए यहाँ पे इसे रख लेंगे स्लीव को बिल्कुल बराबर से। और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए स्लीव हम कट करेंगे। यही शेप हम इस पे मार्क कर लेंगे और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो स्लीव हमने कट कर ली है और अभी फ्रंट पार्ट की स्लीव में हम 1/2 इंच गहराई देंगे। इस तरह से मार्क करके इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स हमने कट कर ली है। स्लीव्स को हमें सिंपली इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी एज को सिलाई लगा लेनी है। इसमें हम लाइनिंग अटैच नहीं करेंगे। तो इस तरह से स्लीव की एज को फोल्ड कर लिया है। अभी इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। फ्रंट स्लीव फ्रंट साइड में अटैच करेंगे, इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पे सेंटर में देखिए एक छोटा सा मार्क बना देंगे और इसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से खोल के रख लेंगे और उसके बाद इसका सेंटर इसमें मिला के रखेंगे। तो फ्रंट साइड की स्लीव फ्रंट साइड में अटैच करेंगे और दोनों साइड की स्लीव को हम इसी तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स अटैच कर ली है। अभी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे पलट के उल्टे साइड से रख लेते हैं। इस तरह से मैंने रख लिया है। फिटिंग के निशान एक बार फिर से मार्क कर लेते हैं इस पर। तो इस तरह से देखिए सीधी साइड से रख लिया है इसके ऊपर और 1/2 इंच की लूजिंग रखते हुए हम फिटिंग के निशान मार्क करेंगे। क्योंकि ये जो लाइनिंग का कपड़ा है ये थोड़ा सा सिकुड़ता है, इसलिए हम इसमें 1/2 इंच की लूजिंग रखेंगे दोनों साइड से। यहाँ पे हिप तक हम इसे मार्क कर लेंगे और ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसे मार्क कर लेंगे 1/2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसमें फिटिंग के निशान मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी हम स्लिट बना लेंगे। इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करना है और इसके बाद नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे हम इसे। तो इस तरह से देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। कुर्ती बनके तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।